कॉर्निश की पट्टी पे, आई डोंट नो ये आपको सामने दिख रही है कि नहीं। रेंटल कार पे एट व्यू, क्या व्यू है कुछ या दिन में देखेंगे? एलिवेटर में आ गए। फ्रंट व्यू चेक करें जरा होटल का, सामने जो है कॉर्निश है। मैं चलता हूँ अपने रूम में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनदर व्लॉग। सो आपको नज़र आ रहा होगा, देख लें पीछे बैक में किधर हूँ। एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे कुछ काम है तो मैं दुबई की तरफ जा रहा हूँ, और सब काम वाम हो गया। कुछ दिनों का काम था तो मैंने कहा साथ साथ व्लॉग भी शूट करें, तो आपको लेके चलते हैं और पूरी जर्नी दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल मैं रियाद एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है, और पूरा आपको वे दिखाते हैं दुबई में कैसे। अलबत्ता मैंने दुबई से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाली हैं और रियाद से रिलेटेड भी, अगर आपने नहीं चेक की तो आप चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें, हाउ टू रेंट अ कार एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके ट्रैवल से रिलेटेड जो क्यू एंड ए होता है, क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें काफ़ी एफ ए क्यूज मैंने सॉल्व आउट किए हैं। सो प्लीज़ चेक इट आउट। बाकी चलते हैं, व्लॉग पूरा स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा है कि वर्किंग आवर्स हैं तो टोटली जो एयरपोर्ट है मोस्टली खाली पड़ा हुआ है। रियाद एयरपोर्ट है ये नया वाला टर्मिनल 4 है बाय द वे, वो दिख रहा है आपको, वो टर्मिनल 3 है। इसी तरह ये गेट्स नंबर है, अच्छा बनाया वैसे। मैंने वैसे वीडियो डाली है एक, और आपने अगर रियाद एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो पूरा एयरपोर्ट का उसमें टूर है, वो मैं यहाँ पर इन्फो टैब में लगा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अभी तक अपना गेट नहीं देखा, तो चलो ज़रा गेट तो देखूँ। ओके, दुबई दुबई दुबई। ओके, ये रहा, प्लेन में आ गया हूँ। फाइनली दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हो गए, और अब जो मेन काम है, पहला जो काम है, सबसे पहले सिम लेनी है, सिम का मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद सेकंड चीज़ है रेंटल कार, कार लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब स्मूथ रहा, लेकिन थोड़ा रश था जिसकी वजह से लाइन, आपको पता है ये पीक टाइम है, न्यू ईयर है ना, तो इस टाइम सारी जो फ्लाइट्स हैं सब इधर ही की तरफ मुड़ी होती हैं ड्यू टू न्यू ईयर प्रिपरेशन की वजह से। तो अब मैं लेता हूँ सिम और चेक करते हैं। बाय द वे सिम एक उधर, हर कोई जो भी विजिट वीज़े पे आ रहा है उसे एक सिम ये फ्री में भी दे रहे हैं। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है या विजिटर वीज़ा है तो उस सूरत में आपको देते हैं, लेकिन उसमें 1 GB डेटा फ्री है, लेकिन लिमिटेड टाइम है, और सर्विसेज जो है ना, मतलब इतिसलात की नहीं है। बहुत सारे कैरियर हैं लेकिन मुझे तो इतिसलात की बेस्ट रहती है, क्योंकि हर जगह, क्योंकि आपने कम्यूट करना होता है तो कहीं पर सर्विस आ रही है नहीं आ रही, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं इतिसलात की सिम लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। रेंटल कार पिकअप, ये एलिवेटर में आ गए। अब साइन को फॉलो करते करते जाना है आपने। ये देखें, मैं एयरपोर्ट से बाहर जा रहा हूँ। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ कार पार्किंग की तरफ और कार पिक करनी है, या आप एयरपोर्ट से मैं बाहर आ चुका हूँ। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं क्लियरली, आपने बस उन्हें फॉलो करते जाना है। जितनी भी कार हैं वो सारी यहाँ शॉर्ट स्टे A2 पार्किंग में खड़ी हैं। ये आ गया, ये आपको दिख रहा है एयर रेंटल, कार रेंटल ऑफिस, इसमें चलना है अभी। बस ये कार आ गई है, मैं ज़रा चेक कर लूँ इसे और फिर देखते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, कार में बैठ गया हूँ, बाकी आगे चलते हैं। काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हैं ना यहाँ पे ड्यू टू न्यू ईयर्स की वजह से, सारा जो है ना रिटर्न और अभी हिसाब निज़ाम जो है ना धर्म भरम हुआ हुआ है। तो बाकी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ, क्योंकि अब मैं ड्राइव करूँगा, यहाँ की मुझे लोकेलिटी का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ज़्यादा मैं GPS पे डिपेंडेंट हूँ, तो उस सूरत में मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। बाकी इंशाल्लाह होटल में चल के वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो बाकी रेंट के हवाले से मैं इस रेंट वेंट की डिटेल्स जो है मैं इसमें फ़र्दर भी ऐड कर दूँगा, और कार आप देख सकते हैं रश लगा पड़ा हुआ है अंदर, और मैंने जो लिए एविस, लिए बजट भी एक ऑप्शन था, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम, नॉट दिस टाइम।
गाइस होटल जो मैंने लिया है ना बिल्कुल कॉर्निश की पट्टी पे, आई डोंट नो ये आपको सामने दिख रही है कि नहीं, पूरी रोड पे है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अभी क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त वेदर है, तो मैंने कार पार्क कर दी है, अभी अंदर चल के भी आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा। फ्रंट व्यू चेक करें ज़रा होटल का, सामने जो है कॉर्निश है, वाव। मैं चलता हूँ अपने रूम में। सो गाइस ये रूम में आ चुका हूँ, होटल में आ चुका हूँ, चले चलते हैं अब जरा रूम में। वैसे मैंने थोड़ा सामान रखवा दिया ऑलरेडी। 617 ये हाउ बैट करते हैं, कार्ड लगा दिया। हाय 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 क्या बात है, ये आ गया रेस्टरूम, पट्टी शर्दे भी लगाए हुए, शावर का सेटअप, रेस्टरूम और बेड। यार सिंगल बेड जो था ना किंग वाला वो अवेलेबल नहीं था, मैंने कहा यार यही दे दो, क्या तुम लोगों की बुकिंग है। तो ये देख सकते हैं ये छोटा सा यहाँ पे कॉफ़ी शॉफी का सेटअप है, नॉट बैड। व्यू क्या है, व्यू है कुछ या दिन में देखेंगे। ओ कितनी प्यारी मस्जिद है सामने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नॉट बैड। सो गाइस अब तक के लिए इतना ही, होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं किसी नए, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे भी जाऊँगा देखता हूँ अगर टाइम मिला, क्योंकि काम काफ़ी है। तो अब तक अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। ये सामने रेस्टोरेंट है, देखते हैं ये इन्होंने व्यू के साथ रखा होगा आई एम श्योर।